नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेम बापू रसम की। इसे बनाने के लिए चाहिए हींग, करी पत्ता, नीम के फूल, राई, सूखी लाल मिर्च, नमक, टमाटर, हरी मिर्च, गुड़, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा, लहसुन और यह है पिसा हुआ मसाला जिसमें काली मिर्च, जीरा और लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले गैस जला लें। पैन गरम करके थोड़ा तेल डालें। ये गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी हींग, थोड़ी राई, थोड़ा जीरा, एक लाल मिर्च, थोड़ी करी पत्ता। इस मसाले में डालेंगे थोड़ा नीम के फूल। अब गैस धीमी कर दें। नीम के फूल की कड़वड़ाहट तब खत्म होगी जब इसे अच्छे से तलेंगे, तब रसम का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि इसे अच्छे से तले ताकि कड़वाहट निकल जाए। इसमें थोड़ी हरी मिर्च, नीम के फूल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालिए हल्दी पाउडर, थोड़े कटे टमाटर डालिए, मसाले को अच्छे से चलाते रहिए। टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें पानी डालिए। आप इसमें पानी डाल सकते हैं या पानी में गुड़ मिलाकर भी डाल सकते हैं। आप इसे दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालिए थोड़ा गुड़। गुड़ डालने से नीम की कड़वाहट दूर होगी। गुड़ डालने से आपको नीम की कड़वाहट महसूस नहीं होगी। नमक डालिए स्वादानुसार। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, जीरा और लहसुन का मिक्सचर। ध्यान रहे ये पेस्ट ना हो, थोड़ा दरदरा रहे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पिसा हुआ मसाला अब डल चुका है। इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से तीखापन कम हो जाएगा। अब इसका तीखापन एकदम बराबर है। अब इसके बाद गैस बंद कर दें। इसकी गहरावट अच्छी है। अब देखेंगे कि इसे परोसेंगे कैसे। थोड़ा हरा धनिया लें, बाउल में डालें, धीरे धीरे रसम को इसमें डालें। स्वादिष्ट गर्मा गर्म प्रेम बापू रसम तैयार है। आप भी बनाइए, मजे से खाइए। हैप्पी ईटिंग।